प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत। ये हमारा जो शरीर है ये पांच तत्व से बना, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन सब से मिलकर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अपने कार्यशैली में जुटा रहता है। हमको खाया पिया पच जाता है, हमको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। अगर ये सब सही तरीके से हमारे शरीर के अंदर इनका प्रभाव हो, परंतु कभी कभी हम ये देखते हैं कि अगर किसी का प्रभाव कम या ज्यादा हो जाता है तो उससे हमको उस तत्व से, जो पांच तत्व हैं जिसे ये शरीर बना है, वही बीमारी हमको घेर ली। हमारे ऋषि मुनियों, महात्माओं ने अपने अनुभव से और बहुत पुराने समय में छानबीन करके कुछ ऐसी हमारे लिए तरीके बताए जिससे हम ठीक हो सके। जैसे उसके अंदर योग भी है, खान पीन के लिए फल, सब्जी, जड़ी बूटियां, किचन के मसाले इत्यादि कई प्रकार की चीजें हमारे लिए उन्होंने बताई और उसको हम अपनी रूटीन में उपयोग करके स्वस्थ रहने की, उन्होंने जहाँ प्राणायाम, योग और कई प्रकार के स्वस्थ रहने के लिए तरीके बताए, उसमें एक तरीका हस्तमुद्रा का भी बताया। हस्तमुद्रा होती क्या है? हमारे शरीर के दो हाथ हैं, उन दो हाथों के को इंग्लिश में हैंड कहते हैं और इसका हिंदी में और संस्कृत में नाम हस्त भी है, हाथ भी है। और इसकी जो मुद्रा है, मतलब अगर हम इनके साथ उंगलियों की कुछ तरीके से मिलाएं और कुछ टाइम उस पोस्चर में बैठ के उंगलियों की आपस में डिफरेंट पोजिशन में उनका मेल करें तो हमारी जिस तत्व की कमी होती है वो ठीक हो जाती है और हम भी ठीक हो जाते हैं। हमारी छोटी छोटी या कोई बड़ी बीमारी कुछ थोड़े समय में, कुछ लंबे समय में हमको आराम मिल जाता है। इसको कहते हैं हस्त मुद्रा। अब हस्त मुद्रा होती कई प्रकार की है। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम इन हस्त मुद्रा को किस तरह किया जाए, कब करना है और उसके कौन कौन से हमारे शरीर के बीमारी, रोग या तकलीफ जो होती है वो दूर हो सके। उनमें पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, आकाश मुद्रा, लिंग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा और वरण मुद्रा। इन मुद्राओं का हम विस्तार से आपको बताएंगे। अगर हम ये मुद्राएं पूरे डिसिप्लिन वे में करने लगे तो जिस मुद्रा का हमारे शरीर के किसी प्रकार के भी डेफिशिएंसी से प्रभावित है वो ठीक हो जाए। एक बात बहुत हमको ध्यान से समझ लेनी चाहिए, जब भी मुद्रा करें बहुत साफ सुथरी जगह पर बैठे, रीढ़ की हड्डी का पोस्चर जो है बिल्कुल सीधा रहे। वैसे तो आप कभी भी कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में कुर्सी पे बैठे हैं, घर में पलंग पे बैठे हैं, कैसे भी हो, आते जाते सफर करते हुए कार में, बस में, ट्रेन में, सब में फायदा कर। बट जो ज्यादा अच्छा फायदा होता है उसका समय है सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें, हाथ मुंह धोएं, एक आसन बना लें अपना जमीन पे, पलथी मार के बैठें और मुद्रा करने से पहले 7 या 8 बार लंबी लंबी सांसें लें और फिर उनको छोड़ दें और शाम को संध्या के बाद ये क्रिया, अगर हम इस मुद्रा क्रिया को करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमने किसी प्रकार की कोई जो दवाई ले रहे थे, चाहे वो एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी या कोई और किसी भी प्रकार, उसमें धीरे धीरे सुधार होने लग जाएगा और इन चीजों से छुटकारा भी मिल सकता है। ये मुद्राएं हमारे लिए बहुत ही लाभकारी, गुणकारी और स्वस्थकारी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे, जो अभी मैंने बताए मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं, उनमें एक एक मुद्रा का विस्तार से हम वर्णन करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये रेफरेंसेस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कोई कमेंट हो तो हम आपके कमेंट्स के बारे में भी, जो कुछ शास्त्रों में इन मुद्राओं के बारे में कहा गया है उसके बारे में हमारी जानकारी है आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।